हेलो फ्रेंड्स, थ्रू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट आर द काइंड्स टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड बेसिकली हाउ डज द ड्रग इंटरेक्शन एक्चुअली अकर्स एंड व्हाई वी स्टडी ड्रग इंटरेक्शन। तो बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन के मायने क्या हैं, इनका क्या मीनिंग है। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब कई बार होता है, आप देखे होंगे कि आपको जो ड्रग प्रेस्क्राइब की गई वो आपको बोला गया कि आप इन दो ड्रग्स को साथ में लेंगे, या आपको बोला गया कि आप इस ड्रग के साथ मिल्क के साथ नहीं लेंगे, आप इसको वाटर के साथ लेंगे। तो एक्चुअली इसके पीछे का जो बेसिक्स होता है वो क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्रग एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस ही तो है। ड्रग किसी केमिकल से रिएक्ट करके कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी बना सकता है, राइट। तो इस चीज़ की ओवरऑल स्टडी कि ड्रग इंटरेक्शन एक्चुअली किस किस कंडीशन में कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, इस चीज़ को ओवरऑल पढ़ाई करना और समझना, ये हमारा ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन से एक्चुअली होगा क्या, तो ड्रग इंटरेक्शन से एक्चुअली हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं कि जो कॉन्कॉमिनेंट ड्रग दी जा रही है, मीन्स दो ड्रग साथ में दी जा रही है, तो दूसरी ड्रग जो साथ में दी जा रही है उसकी वजह से जो उसके पैरेलल जो ड्रग है कहीं उसके उस ड्रग के इफेक्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मींस ड्रग इंटरेक्शन इज डिफाइंड एज द फार्माकोलॉजिकल, राइट, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग अल्टर्ड बाय द कॉन्कॉमिनेंट यूज ऑफ एनदर, ANO है यहाँ पे, एनदर ड्रग और सब्सटेंस और बाय देयर प्रेजेंस। तो बेसिकली डेफिनेशन से तो अनदर ड्रग और सब्सटेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़, जैसे हम फूड से भी कई बार ड्रग इंटरेक्शन होता है और भी कई तरह, तो इस बेसिस पे हम ड्रग इंटरेक्शन को कई बार डिवाइड करते हैं। लाइक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में हम दो ड्रग में कैसे चेक करेंगे कि कौन सी ड्रग किसके साथ लेनी चाहिए, तो वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हुआ। ड्रग का फूड, जैसे हम ड्रग का सजेस्ट कर रहे हैं कि इस फूड के साथ आपको नहीं लेना है, इसके साथ लेना है, फूड के पहले लेना है, बाद में लेना है, तो ये वाला इंटरेक्शन हो गया। केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, केमिकली कोई ड्रग फार्मास्यूटिकल, जैसे हम किसी उसको ऐसे कंटेनर में उस ड्रग को रख रहे हैं जहाँ से उस कंटेनर के जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन से वो ड्रग हमारी जो स्टोर्ड है उसमें वो रिएक्ट कर रही है और टॉक्सिक सब्सटेंस बना रही, तो वहाँ पर एक ड्रग इंटरेक्शन हुआ। ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन, कई बार टेस्ट करते वक्त ड्रग को अगर हमने किसी ऐसे लिक्विड या किसी ऐसे यूटेंसिल्स के साथ यूज़ किया जहाँ से वो लीचिंग के थ्रू उस ड्रग में मिल गया और टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वहाँ पे हम उस इंटरेक्शन का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन किस तरीके का है, टॉक्सिक तो नहीं है। ड्रग डिजीज़, कई बार कई डिजीज़, सपोज़ करिए कि डिजीज़ में आपको हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आपका हार्ट रेट टैकीकार्डिया की कंडीशन, और टैकीकार्डिया की कंडीशन में बट ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसी ड्रग लेना अवॉइड करेंगे जो कि ऑलरेडी हार्ट को रेट को बढ़ाए, तो आप इस तरीके से भी ड्रग 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 डिजीज इंटरेक्शन को हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके की डिजीज़ में कौन सी ड्रग हमको लेनी चाहिए और किस तरीके की ड्रग हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली डेफिनेशन बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ओवरऑल ड्रग इंटरेक्शन का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। तो ड्रग एक्चुअली ड्रग इंटरेक्शन अगर बाय डिफॉल्ट होता है तो कई बार ये एक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है और कई बार ये एक्शन को इनक्रीज भी कर सकता है, और कई बार ये नया कोई एक्शन दे सकता है दैट मे बी एडवर्स इफेक्ट, दैट कैन बी एडवर्स इफेक्ट। तो इट मे डिक्रीज और इनक्रीज और न्यूअर एडवर्स इफेक्ट कैन बी एडेड आफ्टर ड्रग इंटरेक्शन, किसी भी ड्रग इंटरेक्शन इनमें से किसी भी टाइप में ये कंडीशन बन सकती है, अफेक्ट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो कोई नया एडवर्स इफेक्ट दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन जो होते हैं दैट इज अनडिजायरेबल होते हैं, बट सम डिजायरेबल होते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे कोट किया है पेनिसिलिन विद प्रोबेनिसिड। तो प्रोबेनिसिड को पता है कि हम लोग प्रोबेनिसिड जो गाउट में लेते हैं और बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है प्रोबेनिसिड का वो होता है कि ये जो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स पे उनके एक्टिव सिक्रीशंस को उनको इनहिबिट करती है, उसको स्टॉप करती है, और वो एक्चुअली ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर एक्टिव सिक्रीशन के थ्रू पेनिसिलिन को
एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन उन्हीं आय ट्रांसपोर्टर की वजह से होता है जो कि इनहिबिट किए जा रहे हैं प्रोबेनिसिड के थ्रू। तो अगर प्रोबेनिसिड को हम पेनिसिलिन के साथ देते हैं तो वो ऑर्गेडिक एनायन ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होंगे और इनहिबिट होने की वजह से वो पेनिसिलिन का एक्टिव सिक्रीशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेनिसिलिन की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी और पेनिसिलिन का ओवरऑल एक्शन जो होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो बढ़ जाएगा। तो कई बार ये इंट्रैक्शन, जैसा कि हमारा डिज़ायरेबल है, तो कई बार हम इस तरीके से भी डिज़ायरेबल एक्शन इंट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं। मींस हम सजेस्ट करेंगे कि आप पेनिसिलिन को प्रोबेनिसिड के साथ सजेस्ट करेंगे, राइट, क्योंकि प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन के लेवल को बढ़ा रहा है और कई बार ज़्यादातर के केस में ये अनडिज़ायरेबल होगा। बेसिकली जो अनडिज़ायरेबल है उसको हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इसके डेफिनेशन है, टाइप्स है और ड्रग इंट्रैक्शन से एक्चुअल हो क्या रहा है ये बात। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन की बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो ड्रग इंट्रैक्शन को कॉज करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फार्मास्यूटिकल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन एंड लास्ट इज फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन। सो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग इंट्रैक्शन। फार्मास्यूटिकल में बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइक इनके लेबोरेटरी टेस्टिंग से रिलेटेड होंगे ये। इसमें लाइक एग्जांपल है आपका एम्पीसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड बारबिट्यूरेट्स। अगर हम इसको डेक्सट्रॉन के साथ मिक्स करते हैं, लाइक हम कई सारे एडिटिव्स एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं और डेक्सट्रॉन के साथ यूज़ करने पे कई बार ये केमिकल जो एम्पीसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन और बारबिट्यूरेट हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके साथ, डेक्सट्रॉन के साथ। तो दैट वी शुड अवॉइड डेक्सट्रॉन अलोंग विद एम्पीसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड बारबिट्यूरेट। तो ये एक तरीके के फार्मास्यूटिकल ड्रग इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि डेक्सट्रॉन के प्रेजेंस में ये ड्रग डिग्रेड हो जाती हैं, राइट। दूसरे इंट्रैक्शन की हम बात करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन भी होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन में बेसिकली हम एडीएमई की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन में ड्रग में हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ड्रग की किस किस तरीके से इफेक्ट हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन, राइट। लाइक देखिए, एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन किस किस तरीके से ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकता है। सपोज करिए कोई ड्रग किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है और वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब नहीं होता। कोई ड्रग अगर पीएच डिपेंडेंट उसका एब्जॉर्प्शन है और वो, क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक एनवायरमेंट में ही बेटर एब्जॉर्ब होगी। अगर उसके लिए हम बेसिक एनवायरमेंट एक्सपोज करते हैं, अपोजिट एनवायरमेंट, उसके नेचर के अपोजिट एनवायरमेंट एक्सपोज करते हैं, तो वो ड्रग आयनाइज हो जाएगी और एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो थर्ड है लाइक जीआई मोटिलिटी का भी इंट्रैक्शन पे, एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन पे रोल होता है। कई ड्रग होती हैं जो कि स्टमक पे, स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं। तो स्टमक से एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग के लिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे का कि उसको स्टमक में रहना ज़्यादा देर तक जरूरी है। मींस अगर स्टमक से वो इंटेस्टाइन, इलियम, ड्यूडेनम इधर की तरफ मूव करती हैं टूवर्ड्स इंटेस्टाइन, तो उसका एब्जॉर्प्शन चूंकि स्टमक से होना है, वो एसिडिक एनवायरमेंट में होना है, और उसको हमने शिफ्ट कर दिया नेचर चेंज करके, एनवायरमेंट चेंज करके टूवर्ड्स इंटेस्टाइन, तो हमने उसके एब्जॉर्प्शन रेट को भी चेंज कर दिया। तो मींस इसको हम अभी डिटेल पढ़ेंगे। एक इंट्रैक्शन होता है अल्ट्रेशन ऑफ जीआई माइक्रोफ्लोरा। जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं, उनमें उनके पॉपुलेशन में भी अल्ट्रेशन से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो चेंज होता है, उसको हम पढ़ेंगे। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी फैट सॉल्युबल ड्रग को ऑर्लिस्टैट, जो कि लॉन्ग एक्टिंग इनहिबिटर है गैस्ट्रिक लाइपेज का, वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, राइट। वन बाय वन, एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन का पहला टाइप है कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। आप बच्चे को एग्जाम्पल जरूर इसको आपको मेमोराइज करके रखना है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड पेनिसिलिन। ये जब कभी भी एंटा एसिड या मिनरल, आयरन, जिंक या मैग्नीशियम कंटेनिंग मिनरल के साथ एडवाइज किए जाएंगे, तो ये पहली बात तो एडवाइज नहीं किए जाते, उसकी वजह ये होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन की, क्योंकि ये एंटा एसिड
इसको क्या करेगा, सेप्रोफ्लॉक्सेसिन और पेनिसिलिन को ये क्या कर देगा, ये इसको कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कॉम्प्लेक्स बजाने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बल होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट, तो उसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अल्टरेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि जो ड्रग का नेचर होता है, एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी और बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि हमको पता है कि एंटा एसिड हमारा कीटोकोनाजोल और एट्राकोनाजोल, ये आपका इनका एसिडिक नेचर है, और एंटा एसिड कैसा नेचर प्रोड्यूस करेंगे स्टमक के अंदर, बेसिक नेचर को टुवर्ड बेसिसिटी ले जाएंगे, क्योंकि ये एसिड के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो एंटा एसिड के साथ अगर हम बेसिक ड्रग के साथ अगर हम एसिडिक ड्रग लेते हैं लाइक कीटोकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कीटोकोनाजोल और एट्राकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये आयनाइज हो जाएंगी और आयनाइज फॉर्म में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती है। नंबर थर्ड बात करेंगे अल्टरेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी की। जैसा कि मैंने कहा कि जीआई मोटिलिटी इस तरीके से डिपेंड करती है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में अगर कोई ड्रग स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज ना करें। लेकिन यहीं पे अगर कोई ड्रग इलियम या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमको गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को कम करना पड़ेगा ताकि जल्दी से वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ड्रग अल्टरेशन ऑफ जीआई मोटिलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। अल्टरेशन ऑफ जीआई माइक्रोफ्लोरा की बात करेंगे लाइट डाइगोक्सिन विद एंटीबायोटिक। चूंकि हमको पता है कि एंटीबायोटिक क्या करती है, माइक्रोफ्लोरा को डिक्रीज कर देती है, और माइक्रोफ्लोरा डिक्रीज होने की वजह से एक्चुअल में वो माइक्रोफ्लोरा ही समवॉट रिस्पॉन्सिबल है डाइगोक्सिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब डाइगोक्सिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि आपने डाइगोक्सिन को अलॉन्ग विद किससे दिया है, एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक ने इटसेल्फ क्या फंक्शन दिया, माइक्रोफ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर दिया। माइक्रोफ्लोरा को जब इसने डिस्ट्रॉय किया, तो डाइगोक्सिन को मेटाबॉलिज्म के लिए कोई माइक्रोफ्लोरा बचा नहीं, तो डाइगोक्सिन का लेवल बेसिकली बढ़ गया, तो इसकी बायोलिबिलिटी बढ़ गई, और जब इसकी बायोलिबिलिटी बढ़ गई, तो इसकी हम क्या कर दिए, हमने बोला कि इसकी क्या हो गया, इंक्रीज्ड बायोलिबिलिटी, मतलब ये इंट्रैक्शन हमने देखा कि डाइगोक्सिन का इफेक्ट ज़्यादा आने लगेगा। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में हम देखते हैं कि लाइक ऑर्लिस्टैट जो कि लॉन्ग एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एंड लाइपेज है। अब लाइपेज जो है फैट को डिस्ट्रॉय करता है, राइट, तो अब ये क्या करता है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल ड्रग। फैट सॉल्युबल ड्रग क्या होंगी, जो कि फैट में सॉल्युबलाइज होकर एब्जॉर्ब होंगी, राइट, तो जब फैट सॉल्युबल ड्रग फैट में सॉल्युबलाइज होकर एब्जॉर्ब होंगी, और जब ऑर्लिस्टैट लाइपेज को इनहिबिट कर रहा है, लाइपेज इनहिबिट कर रहा है, तो फैट का ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन ये इनहिबिट हो रहा, मतलब फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, इट मींस ये अब फैट सॉल्युबल ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, राइट, मतलब फैट सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन की। डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करते हैं। देखिए कुछ ड्रग होती है जिनके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की एफिनिटी, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि जैसे एल्बुमिन हमारी प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन है, अल्फा वन एसिड ग्लाइको प्रोटीन है, इसी तरीके के हैं कुछ और। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए कि कोई एल्बुमिन के लिए किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी किसी की 60% है, किसी की 90% है, तो मैं सिंपल सी बात है कि मैं बोलूँगा 90% ज़्यादा ज़्यादा एफिनिटी रखती है टुवर्ड्स प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो कम एफिनिटी रखती है उसको ज़्यादा एफिनिटी वाली ड्रग क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी। और एक कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन से जब कोई ड्रग बाउंड होती है, तब बाउंड स्टेट में हम उस ड्रग को बोलते हैं कि ये इनर्ट है, क्योंकि ड्रग अपना इफेक्ट तभी देगी जब वो रिसेप्टर से बाउंड हो। प्लाज्मा प्रोटीन कोई किसी तरीके का कोई ये रिसेप्टर नहीं है, तो प्लाज्मा प्रोटीन से अगर कोई ड्रग हायर एफिनिटी की पीछे से आती है और उस वाली ड्रग को हटा देती है जो कि ऑलरेडी बाउंड थी, तो जो अब ड्रग फ्री हुई वो फ्री हो गई और बाउंड हो सकती है अब अपने रिसेप्टर से और अपना एक्शन दे सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जाम्पल समझेंगे कि लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन में जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, अगर हम उसको क्लोरल हाइड्रेट, फिनाइल ब्यूटाजिन इनके साथ देते हैं, तो चूंकि ये क्लोरल हाइड्रेट और फेनाइल ब्यूटाजिन, इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा है किससे, एंटी कोगुलेंट ड्रग से, तो ये क्या करेंगी, ये ड्रग
उस प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएंगी और किसको हटा देंगी वहां से, एंटी कोगुलेंट ड्रग को। और जब एंटी कोगुलेंट मीन ड्रग मीन्स वो ड्रग कोगुलेशन नहीं होने दे रही, कोगुलेशन नहीं होने दे रही मतलब वो क्या करेगी, किस कंडीशन को बढ़ा देगी, हैमरेज इंक्रीजेस। तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हैमरेज की कंडीशन हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ था एंटी कोगुलेंट क्लोरल हाइड्रेट और फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ हम अगर हैमरेज की कंडीशन पैदा हो सकती है तो इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करेंगे। इसी तरीके से लाइक टॉल ब्यूटामाइट हमारी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, तो टॉल ब्यूटामाइट सल्फोनामाइड हमारी एंटीबायोटिक हो गई। सल्फोनामाइड की जो बाइंडिंग एफिनिटी है प्लाज्मा प्रोटीन से वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, टॉल ब्यूटामाइड से। अब सल्फोनामाइड की ज़्यादा, इट मीन्स सल्फोनामाइड क्या करेगी, टॉल ब्यूटामाइड को अपने प्लाज्मा प्रोटीन से हटाएगी और खुद जाके वहाँ पर बाइंड हो जाएगी। खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो गई मतलब जब तक वो बाइंड है तब तक ये इनर्ट है, लेकिन अगर इसको उसने बाउंड स्टेट से फ्री कर दिया इट मींस अब ये एक्शन देगा। तो ये एक्शन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इस अगर हम ये कॉम्बिनेशन साथ में लेंगे तो इसका एक्शन मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज्ड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। लाइक मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए कई एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में कई बार इन्वॉल्व होते हैं, और कई ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये ड्रग जो है ये ड्रग एंजाइम को इंड्यूस कर रही है और ये ड्रग एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। इस बेसिस पे हम ड्रग का कई बार डिवीजन भी करते हैं कि ये एंजाइम इंड्यूसर कौन से ड्रग हैं और एंजाइम इनहिबिटर कौन से ड्रग हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लाइक एंजाइम इंड्यूसर बेसिकली बारबिट्यूरेट एंड रिफेम्पिसिन अभी एंजाइम को इंड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान देने वाला है कि ये जिस भी एंजाइम को इंड्यूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इन ड्रग्स के साथ कोई और ड्रग दें और जिस और ड्रग की मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रग जो एंजाइम ये इंड्यूस कर देंगे उस एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाए, तो जब मेटाबोलाइज हो जाएगी तो ड्रग का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बारबिट्यूरेट और रिफेम्पिसिन जो कि एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, इनको कार्टिकोस्टेरॉइड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ अवॉइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जिस एंजाइम को इंड्यूस करती हैं एक्टिवेट करती हैं वो एंजाइम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म में, और जब ये मेटाबोलाइज होंगी तो इनका इफेक्ट कम हो जाएगा मतलब इनका प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। तो इस ड्रग इंट्रैक्शन मेटाबॉल ये एक तरीके का मेटाबॉलिज्म ड्रग इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। एंजाइम इनहिबिशन का एग्जाम्पल देखते हैं लाइक डाइसल्फिराम एंड मेट्रोनिडाजोल विद एल्कोहल। हम एल्कोहल के साथ डाइसल्फिराम एंड मेट्रोनिडाजोल का एंजाइम इनहिबिशन का एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या करती हैं, एस्टेल्डिहाइड प्लाज्मल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ये क्या करेंगी, इनहिबिट करती हैं ये ड्रग। और जब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाएगा तो चूंकि वो एस्टेल्डिहाइड को मेटाबोलाइज कर रहा था तो अब एस्टेल्डिहाइड को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो एस्टेल्डिहाइड का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ एस्टेल्डिहाइड। तो बेसिकली इस इंट्रैक्शन को हम यूटिलाइज करके हैं एल्कोहल विड्रॉल के लिए, ठीक। तो ये भी एक तरीके का मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन लाइक पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया प्रोबेनिसिड किस तरीके से पेनिसिलिन के एक्टिव सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके और इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अल्टरेशन इन यूरिन पीएच लाइक एम्फेटामिन एंड एंटासिड, एम्फेटामिन का बेसिक नेचर होता है और एंटासिड भी बेसिक नेचर की होती है, तो सेम ड्रग किस तरीके से उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा यहाँ पे इस चीज़ का एग्जांपल है। चेंजेज रीनल ब्लड फ्लो में लिथियम कार्बोनेट और एनएसएआईडी डिक्रीज रीनल क्लियरेंस ऑफ लिथियम इंड्यूस टॉक्सिसिटी। रीनल ब्लड फ्लो अगर कम है तो रीनल ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उस चीज़ का फर्दर क्लियरेंस कम होगा और जब क्लियरेंस कम होगा तो उस चीज़ की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो लिथियम इंड्यूसेस टॉक्सिसिटी। जैसे कि एनएसएआईडी रीनल ब्लड फ्लो को कम करता है और जब साथ में लिथियम के दिया जाएगा तो चूंकि ब्लड फ्लो कम कर दिया तो लिथियम का लेवल बढ़ने लगेगा ब्लड में और लिथियम इंड्यूस टॉक्सिसिटी होगी। तो ये एक एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से फोर्स्ड डायूरेसिस होता है कि किस तरीके से हम बाहर से कोई ड्रग दे रहे हैं इंड्यूस कर रहे हैं ताकि वो फोर्स डायूरेसिस मीन्स उस ड्रग के रिमूवल के लिए हम डायूरेसिस करवा रहे हैं। कोई ऐसी ड्रग हम दे रहे हैं जो कि डायूरेसिस कराती है और कोई ड्रग हम ऐसी दे रहे हैं, सपोज करिए कोई हम एंटी बीपी को रिड्यूस करने की ड्रग दे रहे हैं और बीपी के रिड्यूस करने की ड्रग के साथ साथ हम डायूरेटिक्स, एक्चुअली डायूरेटिक का काम ही है बीपी को रिड्यूस करना, लेकिन हम पैरेलली हम डायूरेसिस भी करवा रहे हैं, तो वो
सिनर्जिस्टिक समेटिव इफेक्ट होगा कि मतलब डायूरेटिक्स भी इनडायरेक्टली बीपी को कम कर रही हैं और बीपी कम करने की मेडिसिन तो हम ले ही रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल ये इंट्रैक्शन हमारा कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है। सो अब हम फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन की बात करेंगे। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन मीन्स जैसे एंटागोनिज्म की बात करेंगे, एसिटाइल कोलिन नॉरएड्रेनालिन एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो आप कभी भी इन दोनों को ड्रग को साथ में प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। समेशन की बात करें तो लाइक ड्रग इंट्रैक्शन कई बार सेडेटिव का काम है स्लीप इंड्यूस करना विद अनकॉन्शियसनेस, विद कॉन्शियसनेस, और हिप्नोटिक का काम है स्लीप विद अनकॉन्शियसनेस। तो कई बार सेडेटिव हिप्नोटिक अगर साथ में दे रहे हैं तो कई बार बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का भी ड्रग इंट्रैक्शन है, आपको देखना पड़ेगा कि आप सेडेटिव ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या हिप्नोटिक ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दोनों प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपका इफेक्ट समेटिव आएगा। सिनर्जिस्टिक या पोटेंशिएशन, समेटिव और सिनर्जिस्टिक पोटेंशिएशन में फर्क कितना होता है, लाइक यहाँ हम बात करते हैं 2+2=4 और यहाँ बोलते हैं 2+2=5, तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि दोनों को मिलाने से इफेक्ट बढ़ गया। लाइक एल्कोहल इंक्रीजेज एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ एस्प्रिन, तो एल्कोहल और एस्प्रिन अगर साथ में देते हैं तो एस्प्रिन की जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो अगर अकेले एस्प्रिन ली जाए तो उसके कंपैरिजन में बढ़ जाती है। मींस सिनर्जिज्म या पोटेंशिएशन का ड्रग इंट्रैक्शन यहाँ पे होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग इंट्रैक्शन। आई होप कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे, कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट अगर बना रहता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।